नमस्कार, आज मैं कुसुम राजावत आपको दाल ढोकली बनाने की विधि बता रही हूँ, जिसे आप राजस्थान की प्रसिद्ध है दाल ढोकली, जिसे खा करके आप एंजॉय कीजिए। सर्दी और बरसात के मौसम में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सबसे पहले मैंने ये आटा लिया है, एक कटोरी आटा है ये, और इस आटे के अंदर मैंने नमक डाल करके इस आटे को अच्छे से छान लिया है। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और राई। ये मैंने जीरा और राई डाल दिया है। इसके बाद में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा मसल करके, इस तरह से मसल करके, क्रश करके आप इसको, अजवाइन को इसमें डाल दें। इसके बाद में इसके अंदर आधी चम्मच के करीब हल्दी डाल देंगे हम। लगभग एक टीस्पून के करीब हम इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। लगभग एक चम्मच भर के तेल का हमने इसमें मोयन डाल दिया है, और अब हम इसको गूंथेंगे। बैटर तैयार है और अब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। देखिए, ये ज़्यादा ना तो ढीला है और ना ही ज़्यादा सख्त है, सॉफ्ट सा ठीक ठीक आटा है, नॉर्मल आटा होना चाहिए। ज़्यादा टाइट अगर आटा होगा तो ढोकलियाँ अच्छी नहीं बनेगी। अब हम इसके अंदर, कुकर के अंदर दाल बॉईल करने के लिए डाल के रख देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने दाल को भिगो करके धो करके रख दिया है, और इस दाल को हम इसमें डाल देंगे और इसके अंदर पानी डाल देंगे। उधर हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, जिसे 10 मिनट में हम ढोकली बनाना शुरू कर देंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा पानी और डालेंगे। अब हम इसमें चौथाई चम्मच हल्दी डाल देंगे और एक चम्मच नमक डाल देंगे, और इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब हम इसकी लोइयां ले लेते हैं। लोई थोड़ी मोटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आटे की जो ये बनती है ढोकली, ये बहुत ही पतली नहीं चलती, इसलिए थोड़ी मोटी लोई लेंगे। वैसे तो इससे राजस्थान में इस तरीके से बनाया जाता है, छोटी छोटी लोइयां बनाई जाती हैं, लोई को गोल करके उसको ऐसे दबाया जाता है, इस तरह से लोई बना करके इनको इस तरह से बनाते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं आपको वो विधि बताती हूँ जिससे समय नहीं लगेगा, आपके समय की पूरी बचत हो जाएगी। थोड़ा सा तेल लगाएंगे, अब हम इसको बेल लेंगे। अब देखिए, हमने रोटी को थोड़ी सी मोटी बेल ली है, और हमने इस पे दो कट भी लगा लिए। ये देखिए, ये ढक्कन है, बॉटल का ढक्कन होता है दवा की बॉटल का, इसको हम इस पर रख करके ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। इस तरह से पूरी पे घुमा देंगे तो बहुत सारी ढोकलियां बन जाएगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। ये देखिए, ये दवा का ढक्कन है, इस ढक्कन से हमने इसको पूरे को काट लिया, और अब मैं इनको अलग अलग कर लेती हूँ। ये जो बचा हुआ था उससे हमने वापस लोई तैयार कर ली है, और अब हम इसमें थोड़ा सा और आटा लेकर के लोई बना लेंगे। अब हम बची हुई आटे की भी लोई बेल लेंगे। इस तरह से हम दूसरी बार वालों को भी काट लेंगे। अगर आपके बच्चों को और भी कोई शेप पसंद है तो आप वो शेप भी इसकी बना सकते हैं। जैसे कई बच्चों को कार से बहुत प्रेम होता है, तो कार की शेप काट लीजिए। जो भी आपको शेप पसंद है वो शेप आप इसके काट सकते हैं। इसके लिए बिस्किट के कंटेनर्स जो होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, उनका यूज किया जा सकता है। इस तरह से हम अब इसको उठा लेंगे, और अगर आप चाहें तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को ये पसंद है ऐसी शेप, तो आप इसके भी अलग शेप निकाल सकते हैं, बाकी इसका लोई बना के इसको यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो आज बहुत ज्यादा आंधी चल रही है, आप सुनी रहे होंगे आवाजें।
अब आप चाहें तो इसका एंगल चेंज कर सकते हैं और आप इसको भी अपने बच्चों को अलग सी शेप के रूप में दे सकते हैं। देखिए इसकी डिफरेंट शेप हो गई है, ह्यूमन टाइप की, फिश टाइप की, इस तरह से आप इसको भी ले सकते हैं यूज। इससे भी बहुत अलग सी शेप हो गई, बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप को, और आपका काम आसान हो गया। ये देखिए ये अलग सी शेप हो गई है। देखिए ये ना ढोकलियां सारी हमने काट करके रख ली है, ठीक है। इसके बाद में अब हम है ना दाल को खोल करके देखते हैं दाल के क्या हालत है, और हम दाल छोंकने की तैयारी करते हैं। हमने इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है और अब मैं इसमें डालती हूँ। अब हम इसमें जीरा और राई डालेंगे। देखिए जीरा राई तड़क गया है। अब इसमें अजवाइन डालेंगे, हींग डालेंगे, प्याज डाल दिया हमने इसमें, हरी मिर्ची डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। देखिए ये थोड़ा थोड़ा सुनहरा होने लग गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें साबुत लाल मिर्ची डालेंगे, इसके आगे के हिस्सा तोड़ लेंगे। ये साबुत लाल मिर्ची डाल दी है, ये सब चीजें फ्राई हो जाती हैं। टमाटर के साथ इसमें डालने का एक फायदा ये होता है कि तुरंत इसको नमी से मिल जाती है, ये खटाई ले लेती है और इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, इतनी आधी चम्मच के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक थोड़ा हिसाब से ही डालना है, क्यों? क्योंकि पहले हम इसमें नमक डाल चुके हैं, क्योंकि दाल बॉईल की थी तब भी हमने इसमें नमक डाला था और ढोकले में भी नमक डाला हुआ है, इसलिए नमक हिसाब से डालेंगे। मसाला पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन वाला जो पेस्ट बनाया था उसका पानी डालेंगे। देखिए मसाला पकना शुरू हो गया, थोड़ी देर में इसमें जाली पड़ जाएगी। कितना सुंदर और स्वादिष्ट है, खुशबू आ रही है, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। देखिए इसमें जाली आने लग गई है मसाले में। देखिए शानदार मसाला पक गया है, बढ़िया शानदार खुशबू आ रही है, मसाला तैयार है। अब हम इसमें ये बॉईल की हुई दाल डाल देंगे। देखिए अब हम इस पर ढक्कन लगा देते हैं ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। देखिए दाल में उबाल आ गई। उबलने से पहले ढोकली नहीं डालें, क्यों? क्योंकि अगर उबलने से पहले डालेंगे तो ये चिपक जाएगी। इतनी शानदार ढोकलियां हैं, ढोकली का साइज इतना ही होना चाहिए कि वो आपकी चम्मच में आ जाए आराम से और चम्मच में दाल भी आ सके। इसी हिसाब से, इसी साइज से हमने ढोकली बनाई है। पूरी की पूरी ढोकलियां हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। हमने प्याज काट के रख लिए, ये एक बड़ा प्याज है। इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे, कटे हुए चॉप्ड टमाटर है, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और ये नींबू का रस है जो मैंने निकाल करके रख लिया है, थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और थोड़ा सा जलजीरा पाउडर डालेंगे। इससे ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये चूरी तैयार हो गई। इसको ढोकली के साथ में ऊपर से डाला जाता है जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें ये तैयार है और इसके अंदर चॉप्ड हरा धनिया डाल देते हैं। ये है पुदीने का पाउडर, इसको डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। इसको हम इस चुर्री में भी डाल देते हैं। अगर आपको नींबू का रस पसंद है तो आप और ले सकते हैं। इसके अंदर हम 1 चम्मच ये नींबू का रस डाल देंगे। ये मिक्स की हुई खट्टी मीठी खट्टी चूरी है, इसको इसमें इस तरह से डाल देंगे। कई लोग इसको मिक्स करके खाते हैं, कई लोग इसको अलग से लेकर के खाते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा घी। घी को डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, शानदार टेस्ट आता है इसमें घी से। कई लोग इसको लगभग घी से बनाया जाता है राजस्थान में इसको, और कई लोगों को
नहीं खा सकते, इसलिए इसको तेल में भी बनाते हैं। देखिए मैं आपको ढोकली दिखाती हूँ, कितनी शानदार ढोकली बनी है ये देखिए। ढोकली का साइज इससे बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके साथ में दाल भी आनी चाहिए। देख रहे हैं आप कितनी शानदार है ढोकली। थैंक यू। पुनर्दर्शनाय, जय महाकाली।